नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब आपके साथ, मैं हूं उसका दर्शक हूँ। जैसा कि अभी गर्मी चल रहा है और गर्मियों में पसीने बहने की वजह से काफ़ी ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, और खासकर अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को वजन ज़्यादा होने की वजह से जांघों में कांच लग जाता है। ये इससे कैसे बच सकते हैं और ये किन कारणों से फंगल इन्फेक्शन होता है, इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अर्चना लोखंडे। इनके बारे में दर्शकों आपको बता दूं कि ये चर्म रोग विशेषज्ञ हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मुस्कान। मैम आपसे जानना चाहूंगी कि बहते पसीने की वजह से ऐसे कौन से इन्फेक्शन है जो शरीर में हो जाते हैं? पसीने के वजह से सबसे कॉमनली होने वाला इन्फेक्शन हमारे जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट में है वो है फंगल इन्फेक्शन। फंगस एक तरीके का कीटाणु है जो गीलेपन के वजह से ज़्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो जो हमारे फोल्ड्स वाले एरिया है, जैसे अंडर आर्म्स है, अंडर द ब्रेस्ट है, या बटक का पीछे वाला हिस्सा है, या कांच या ग्रोइन का एरिया है, इन सब जगहों पर फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमनली होते हैं। इन सब में ही अगर हम सोचें तो मुझे लगता है ग्रोइन वाला एरिया है, यहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं। आपने एक बताया कि मोटापा एक रीजन है जिसके वजह से ग्रोइन वाले एरिया में ज्यादा फोल्ड्स पड़ जाते हैं। दूसरा ये है कि जैसे फीमेल्स के बारे में अगर बात करें तो फीमेल्स का बॉडी टाइप जो टाइप है वो इस तरीके से फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जो हमारा बटक वाला एरिया या थाई वाला एरिया है ये ज्यादा मोटे रहते हैं। तो ज्यादा मोटे रहने के वजह से उसकी रगड़ खाने की प्रक्रिया ज़्यादा होती है। दूसरा है फीमेल्स के जो क्लोदिंग पैटर्न्स है, जैसे हम लेगिंग्स जेगिंग्स पहनते हैं या जो फीमेल्स साड़ियाँ पहनती है, तो जो थाई वाला हिस्सा है वो एक दूसरे पे ज़्यादा रगड़ खाता है। बहुत बार औरतें ऐसे जगहों पे काम करती है, स्पेशली कुकिंग के वक्त वगैरह, तो ये सारे जगह वहाँ जहाँ फैन भी नहीं रहता मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इसके वजह से पसीना ज़्यादा आता है। जो बारिश वाला मौसम है इसमें भी चिपचिपाहट ज़्यादा बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, चलने के वक्त ये हमारे थाइस रगड़ खाते हैं और उसके वजह से रेडनेस होना बहुत कॉमन है या फंगल इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है। फ्रिक्शनल डर्माटाइटिस मतलब रगड़ खाने के वजह से ये हिस्से थोड़े से काले हो जाते हैं। कभी कभी बहुत सारी फीमेल्स को जो ल्यूकोरिया या सफ़ेद पानी की शिकायत रहती है तो उसके वजह से गीलापन ये एरिया में ज़्यादा कॉमनली रहता है। तो ये सब चीज़ों से अगर बचना होगा तो कुछ चीज़ें करनी है। एक तो आपको इन्फेक्शन होता है तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे टेंडेंसी है लोगों की ओवर द काउंटर मिलने वाली स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम यूज़ करते हैं, तो ऐसी क्रीमें यूज़ करने के वजह से इन्फेक्शन तो ठीक हो जाता है मगर फिर से उसको होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्ट्रेच मार्क्स, रेडनेस और कभी कभी अल्सर्स वगैरह होने के वहाँ पे चांसेस रहते हैं। तो एक तो ओवर द काउंटर चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। लोग बहुत बार फीमेल्स हिचकिचाती हैं कि हम ये समस्या कैसे बताएं, किसको बताएं, तो आपने योग एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह से इन चीज़ों का एग्जामिनेशन करवाना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। कपड़े जो है जैसे जीन्स या जेगिंस या लेगिंस, ऐसे कपड़े पहनना ऐसे वाले मौसमों में खासतर अवॉइड करने चाहिए। जो भी हमारे अंदरूनी कपड़े हैं, अंडर पैंट्स है, इनको गर्म पानी में अच्छे से धो के सन ड्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको अंदर से प्रेस करके आप पहन सकते हैं तो जो उसके कीटाणु हैं वो मरने में हेल्प हो जाती है। जो एंटीफंगल पाउडर्स है उसका आप यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली जब आप टॉयलेट बाथरूम जाते हैं तो फीमेल्स आप जब ये हिस्से धोते हैं तो इसको कॉटन से अच्छे से ड्राई करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अंदरूनी कपड़े गीले हो जाते हैं, पैंट्स गीले हो जाते हैं, तो उसको तुरंत चेंज करना ही उतना इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार जो फीमेल्स के बारे में और एक चीज़ है कि मासिक जब उनको आ जाती है तो उसके वजह से पैड्स के वजह से गीलापन ज़्यादा रहता है, तो आपने एक तो टैम्पॉन्स या मेंस्ट्रुअल कप का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके अंडर पैंट्स या जो भी नैपकिन्स आप यूज़ कर रहे हैं वो गीले हो जा रहे हैं तो उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेगजीन बेस्ड होने वाले सोफेज वगैरह है, जो एक जगह पर हम ज़्यादा बैठते हैं तो उसके वजह से भी पसीना ज़्यादा आके ये सारी समस्याएँ होती है। आजकल ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो आप अपने से इन सब चीज़ों की दवाई ना करें, इससे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो डर्मेटोलॉजिस्ट के सलाह से प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ आप ट्रीटमेंट कोर्स फॉलो कर सकते हैं। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू मुस्कान। तो आज हमने समझा कि जो गर्मी में जैसे पसीना आता है इससे बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।